IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 17 अप्रैल 2021 को रतलाम से रामपथ यात्रा के लिए पर्यटन ट्रेन रवाना होगी। इंदौर में प्रेस वार्ता कर अधिकारियों ने जानकारी दी। मंगलवार शाम IRCTC के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर एक प्रेस वार्ता कर बताया कि श्री रामपथ यात्रा के लिए रतलाम से 17 अप्रैल 2021 को पर्यटन ट्रेन रवाना होने जा रही है। IRCTC भारत दर्शन पर्यटन ट्रेनों का संचालन पूरे देश में शुरू कर दिया है। उक्त ट्रेन अयोध्या से चित्रकूट सहित कई पर्यटन स्थलों पर पहुंचेगी और यात्रियों को भगवान श्री राम से जुड़े कई स्थानों के दर्शन करवाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 5 दिनों की इस यात्रा में अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर एवं चित्रकूट के मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा, जिसके लिए यात्रियों को 4725 स्लीपर श्रेणी एवं 5775 3 AC श्रेणी प्रति व्यक्ति का खर्चा उठाना होगा। यात्रा के दौरान चाय, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन सहित धर्मशाला में होटल में रात्रि विश्राम, स्नान की सुविधा और घूमने के लिए बस खर्च भी समाहित रहेगा। ट्रेन में 12 स्लीपर एवं 3 AC श्रेणी होंगे। टिकट शुल्क में ही यात्रियों के लिए 4 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा में श्रद्धालुओं की हर सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। कोविड नियमों का पालन भी होगा। कोच शौचालय से लेकर यात्रियों के सामान तक को सैनिटाइज किया जाएगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। चलाने जा रही है जो कि रतलाम, इंदौर, सीहोर और आपका देवास और उज्जैन होते हुए ये रामपथ यात्रा के लिए जा रही है, जो कि अयोध्या से चित्रकूट का जो मार्ग था भगवान श्री राम का वनवास का, उस मार्ग पर यात्रियों को मंदिरों के दर्शन कराएगी, जिसमें अयोध्या, प्रयाग और चित्रकूट शामिल हैं। वहाँ के मंदिर के दर्शन कराती है, वापस ये रतलाम आएगी और मात्र 4725 रुपये इस ट्रेन का किराया है, जिसमें कि यात्रियों को कंफर्म ट्रेन टिकट की व्यवस्था है और ठहरने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था है और तीनों टाइम भोजन की व्यवस्था है। और इसके पहले हमने 16 फरवरी को इसी रूट पे ये ट्रेन चलाई थी इंदौर से, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। ये ट्रेन पूरी 804 यात्रियों को लेके रामपथ यात्रा पर निकली थी, तो उसी में की डिमांड को देखते हुए, यात्रियों की मांग को देखते हुए दोबारा ये 17 अप्रैल को हमने ये टूर शुरू किया है। और मालवा क्षेत्र के जो स्टॉपेज हैं इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में रतलाम और इंदौर और उज्जैन और देवास, यहाँ की यात्री इसका, यहाँ पर बोर्डिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ की यात्री इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और हमारे इंदौर कार्यालय से एवं हमारी वेबसाइट जो है www.irctctourism.com, यहाँ से भी लोग बुकिंग करा सकते हैं। काफ़ी किफ़ायती और इकोनॉमिकल टूर पैकेज है, जो कि यात्रा को लेकर ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब कोरोना में भी लोग जाने के लिए राजी हो जाए? हाँ नहीं, कोरोना का अभी जो इस तरह की मीडिया में खबरें आ रही हैं, और फरवरी का माह बहुत ही अच्छा था पर्यटन के लिए, हमें IRCTC के लिए मध्य प्रदेश से हमने 3 ट्रेनें चलाईं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इन सभी ट्रेनों में हमने ये देखा कि जो हमारे यात्री थे सुरक्षित यात्रा करके वापस आए हैं। IRCTC ने एक हर ट्रेन में एक डब्बा खाली छोड़ा हुआ है, जिसे हमने आइसोलेशन कोच बनाया हुआ है। उसमें अगर किसी यात्री की अगर तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो वहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहेगी। नेक्स्ट ट्रेन में जो ऑन कॉल रेलवे के डॉक्टर आएंगे, अटेंड करेंगे, और IRCTC की तरह से प्रॉपर ट्रेन को हर स्टेशनों पे जहाँ जहाँ पे ट्रेन रुकती है वहाँ पर उनको सैनिटाइज किया जाता है। यात्रियों को फ्री में मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दी जाती है और पूरा जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक IRCTC भोपाल से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।